Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम इसे इस घर में लेकर आ गए अपनी एक्स वाइफ को और अपनी वुड बी वाइफ के सामने इसके साथ रहोगे तो मैं शक नहीं करूँ तो क्या करूँ? और मैं क्या, कोई भी इंसान होगा तो वो शक करेगा ऋषि। पर दिल से भरोसा करती हो ऋषि पे तो शक किस बात का? और वैसे भी जरूरी नहीं है कि अगर एक ही छत के नीचे रहे तो रिश्ता बनाना जरूरी ही हो। मैं एक घर में रहने वाली हूँ मगर एक कमरे में नहीं, मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। और डैम इट, इसे गेस्ट हाउस में क्यों, इसे तो इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। आई स्वेयर, यही बात बोल बोल कर मेरा तो गला दुख गया। मलिष्का, हम पे तो ट्रस्ट है ना तुम्हें, हम कह रहे हैं ना तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे हम। I'm really sorry आंटी, मैंने भी आपको गुस्से में बहुत कुछ बहुत बुरा बुरा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं क्या करती, मैं इनसिक्योर हो गई थी, डर गई थी और मैं अभी भी डर ही रही हूँ। आप खुद बताओ ना, ये ऋषि आपके सामने लक्ष्मी को इस घर में लेकर आ गया और आप इसे यहाँ रहने दे रहे हो। कल को ऋषि इसे अपने कमरे में रहने का हक दे देगा और आप इसे वो भी करने दोगे? ये आपसे दो इमोशनल बातें करेगा और आप सब इमोशनल हो जाओगे। मलिष्का, हम इमोशनल हैं अपने बेटे के लिए पर डिल्यूजनल नहीं है। सही क्या है गलत क्या है हमें दिखाई देता है, इसलिए ये लक्ष्मी का इस घर में रहना, इसके खिलाफ है हम। I assure you कि तुम्हारी शादी ऋषि के साथ होगी, जरूर होगी, 100% होगी। Yes, मलिष्का, लेकिन तुम्हें रिंग उतारने की जरूरत नहीं थी, मॉम ने दी मुझे। शालू सुनना, ऋषि जी जो दी को ले तो गए पर सब ठीक होगा ना, सब अच्छे से होगा ना, मतलब वो लोग दी को आने देंगे ना अच्छे से? हाँ बानी, क्यों? क्योंकि वो नीलम आंटी और करिश्मा आंटी दी को पसंद नहीं करती है और चाची ने भी कितना कुछ बोला तो ना, मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे इतनी चिंता हो रही है ना कि क्या होगा वहाँ पे। और बानी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जीजू दी के साथ है ना तो बस डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। पक्का ना? अरे उसमें पक्का क्या, जीजू ने पूरी शादी रुकवा दी, फिर सबके सामने बलविंदर को इतना मारा इतना पीटा, फिर घर वालों के सामने बहस की, फिर घर वालों के सामने दी का हाथ पकड़ के दी को वापस ले गए, तो बस यही तो सबूत है जीजू दी के साथ है ना तो दी खुश है, हिफाजत से। हाँ तो यही बात जाके करिश्मा आंटी और नीलम आंटी को भी समझाना और उस नकचड़ी मलिष्का को भी समझा उसको जाके कि दी और जीजू एक दूसरे के लिए ही बने, वो कितना भी झगड़ ले कितना भी अलग रह ले पर फिर एंड में उन्हें साथ आना ही है क्योंकि वो एक दूसरे के लिए ही बने। बोल उनको जाके दी और जीजू की जोड़ी ना रब की बनाई जोड़ी है तो रब ही उनको समझाएगा, जो नहीं समझ रहे उनको भी और जो समझ के भी नहीं समझ रहे ना उनको भी। One more thing, मलिष्का, तुम लक्ष्मी के साथ आज के बाद ऐसे बिहेव नहीं करोगी और ये याद रखना कि लक्ष्मी को इस घर में मैं वापस लाया। Exactly. तुम उसे वापस लाए, इसी बात का तो डर है ऋषि। क्यों, किस बात का डर है? मैंने सबके सामने तुमसे शादी की बात की है ना और ये कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो फिर डर किस बात का मलिष्का? करने की सच में कोई जरूरत नहीं है। And I assure you, just trust me. Yes, I trust you, ऋषि, but I don't trust लक्ष्मी। मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और क्या पता यहाँ रहते रहते वो तुम्हें फिर से अपनी बातों में फंसा ले तो फिर क्या फायदा आपको ऐसे ट्रस्ट का? कुछ रह जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। मलिष्का, तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा होता नहीं, भरोसा जीतता जाता है ऋषि। और तुमने ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दिया जो मैं तुम पे भरोसा करूं? क्या किया ऐसा? ये रिंग बनाई है मैंने तुम्हें, वो भी सबके सामने, जबकि तुमने ये रिंग निकाल दी थी मलिष्का, उसके बाद वापस बनाई ये रिंग तुम्हें। और उसके बाद क्या किया ऋषि?
उसके बाद लक्ष्मी को तुम वापस ले आए। तुम मुझे समझाओगे ये क्या है? क्या लक्ष्मी तुम पे भरोसा करके वापस आई है या तुम मेरा भरोसा तोड़ के उसे वापस लाए हो? गॉड, क्या कमाल का वर्डप्ले करते हो तुम यार मलिष्का। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कहा है ना, मैं तुमसे शादी करूंगा, ये रिंग भी पहनाइए सबके सामने, तो थोड़ा सा भरोसा रखो ना मलिष्का। भरोसा? फाइन, आई ट्रस्ट यू डन। भरोसा करती हूँ मैं तुम पे, और ऑप्शन भी क्या है मेरे पास? मैंने आज तक तुम पे भरोसा ही तो किया है ना ऋषि। बट एक और बात, मुझे कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार खुद को देखो और अपने एक्शंस देखो। कोई ऐसा काम किया है तुमने जो भरोसे के लायक हो, जिसकी वजह से मैं तुम पे विश्वास कर पाऊं? सोचना अच्छे से। हम बहू हैं इस घर की, इन बच्चों की माँ हैं हम, इस घर की मालकिन हैं हम। हम इस घर से चले गए तो ये घर बिखर जाएगा। तुम तो बिखरने नहीं दोगी ना? साबित करो कि तुम नहीं चाहती कि ये घर बिखरे। नीलम आंटी सही कह रही, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ रहूंगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मुश्किल से ऋषि और मम्मी जी। नीलम आंटी, इतनी मुश्किल से ऋषि और नीलम आंटी के बीच में सुलह हुई थी, मेरी वजह से वापस से सब लोग परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की सुख शांति छिन जाए, और ऐसा होगा भी नहीं। मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। C5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।